राशि, वर्ष 2023 के किस महीने में आपको गर्भधारण होगा, किस महीने में आपको संतान की प्राप्ति होगी। अगर आप संतान के लिए बहुत लंबे समय से परेशान हैं, संतान नहीं हो रही है, घर में खुशियां नहीं है, या अन्य किसी भी प्रकार की समस्या आपको हो रही है संतान प्राप्ति के लिए, तो वर्ष 2024 में आपके लिए ग्रह के योग बहुत अनुकूल रहने वाले हैं, और उन ग्रह के अनुकूल योगों के अनुसार आपको संतान से संबंधित लाभ प्राप्त होने का योग नजर आ रहा है। किस महीने में आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगी, अर्थात आप गर्भधारण कर पाएंगे, और शीघ्र गर्भधारण करने के लिए 2024 में बन रहे इस योग का पूरा लाभ लेने के लिए क्या उपाय करने की जरूरत है, यह सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं। बहुत ध्यान से इस वीडियो को आपको देखना है, समझना है, और उसके बाद जो उपाय मैं आपको बताऊंगा, जिस किसी भी दिन आप यह वीडियो देखें उसी दिन से इस उपाय को करना चालू कर दीजिए। चलिए बात करते हैं तुला राशि की। राशि चक्र के 7वें नंबर की राशि होती है, और राशि का जो स्वामी होता है वह होता है शुक्र ग्रह। वर्ष 2024 में शुक्र ग्रह के गोचर और आपकी नाम राशि के अनुसार, ग्रह और गोचर के अनुसार वर्ष 2024 में आपको संतान प्राप्ति के लिए अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन आपकी कुंडली में अगर संतान प्राप्ति का योग नहीं है, कुछ ग्रह योग विपरीत है, या फिर संतान ही नहीं होगी ऐसा योग बना हुआ है, तो इस बात से आप परेशान ना हो, क्योंकि आपकी जीवन में 2024 में जो योग आ रहा है वह आपको संतान का सुख देकर ही रहेगा। किस महीने में गर्भधारण आपको होगा, तुला राशि वाली जो महिलाएं हैं उन्हें फरवरी के महीने में, जून के महीने में, और उसके बाद अगस्त के और अक्टूबर के महीने में गर्भधारण होने के पूर्ण योग नजर आ रहे हैं। ये महीना काफी महत्वपूर्ण है, इन महीनों में आपको गर्भधारण होकर ही रहेगा, लेकिन इस योग को और भी अच्छा बनाने के लिए आपको कुछ उपाय करने की जरूरत है। उपाय क्या है, कैसे करना है, किस विधि से करना है, उस बात को जानने और समझने के लिए आप वीडियो में आखिरी तक हमारे साथ बने रहें। हम बात करेंगे उपाय के विषय में। आपको प्रतिदिन सुबह प्रातः काल उठकर भगवान श्री कृष्ण का आपको पूजन करना है। भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते समय एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि भगवान लड्डू गोपाल श्री कृष्ण को गाय के दूध से स्नान कराएं और ओम नमो भगवते वासुदेवायो इस मंत्र का जप करते रहें। स्नान कराने के बाद भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएं, और उसके बाद भगवान को वस्त्र आदि पहनाकर चंदन चावल से तिलक लगा करके उसके बाद भगवान के सामने माखन और मिश्री का नैवेद्य आपको अर्पण करना है। नैवेद्य अर्पण करने के बाद एक दीपक जलाकर भगवान की आरती करें। आरती करने के बाद भगवान को किसी झूले में विराजमान करके उन्हें झूला आपको अवश्य ही देना है। झूला प्रतिदिन जरूर दें, इससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे और आपके घर में संतान से संबंधित चल रही परेशानी दूर होकर के आपको संतान का लाभ प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ विशेष एक उपाय यह भी आपको करना है कि आपको जितना समय आप फ्री रहें या खाली रहें या फिर पूजन के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवायो मंत्र का जप लगातार करते रहना है। अगर इस उपाय को आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके घर में खुशियां आ जाएंगी, संतान का सुख आपको प्राप्त हो जाएगा, और आपके जीवन में जो लोग आपको संतान के लिए ताने देते हैं, संतान नहीं हो रही इसलिए तरह तरह की बातें आपको सुनाते हैं, तो उन सभी लोगों को इस बात से दुख तो होगा कि जो लोग आपको परेशान करते थे, आपसे बोलते थे, लेकिन भगवान की कृपा हुई और आपको संतान का लाभ प्राप्त हो गया। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए, भगवान के ऊपर विश्वास कीजिए और बताए गए उपाय को जरूर कीजिए। जिन महीनों में मैंने आपको बताया है कि आपको गर्भधारण हो सकता है, उनमें गर्भाधान जरूर करें। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाल, हर हर महादेव।